एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े होकर थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण कर कर घूम आए। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है, वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है, वो सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान मदद करो। तभी उसकी नज़र उस पर्स पर पड़ती है, वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है, तभी सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया ही नहीं बल्कि बिगाड़ा है, वो व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ने वाला था, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था, पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था, अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, तुमने सब गड़बड़ कर दी। इसीलिए दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी आती है जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन इसके पीछे भगवान की कोई ना कोई प्लानिंग होती है। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए, उदास मत होना, इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।